अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हु इज़ आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर इज़ बेसिकली एन इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल थर्ड पार्टी दैट वर्क टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन टू अपोजिंग साइड, ऑफन बाय मेकिंग अ डिसीजन दैट दे बोथ एग्री टू। मतलब जब दो ओपोनेंट पार्टीज एग्री करती हैं कि आउट ऑफ कोर्ट किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से अपना केस रिजोल्व करवाया जाए, तो वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन को हायर कर लेती हैं एज एन आर्बिट्रेटर। वो दोनों पार्टीज़ को सुन के, दोनों पार्टीज़ की एविडेंस ले के उसके ऊपर जब डिसीजन करता है, तो इसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। और जो इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल पर्सन दोनों पार्टीज़ अपॉइंट करते हैं, उसे कहते हैं आर्बिट्रेटर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी जो है वो किस सूरत में रिवोक की जा सकती है। जब दोनों पार्टीज़ अपनी रजामंदी से एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लें, तो किन वजूहात की बिना पर और किन सूरतों में उसकी अथॉरिटी को रिवोक किया जाता है। अब बेसिकली एक जनरल रूल होता है कि अथॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर कैन नॉट बी रिवोक्ड अनलेस समथिंग इज रिटन इन द एग्रीमेंट दैट इन दीज सर्कमस्टांसिस द अथॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर कैन बी रिवोक्ड, then it can be revoked in circumstances mentioned in the agreement. जनरल रूल ये है कि आप आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कि आपने जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है या आपका कोई भी एग्रीमेंट है और उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद है, तो साथ में आपने सरकमस्टांसिस भी मेंशन किए हों कि इन सरकमस्टांसिस की सूरत में आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को रिवोक कर दिया जाएगा। अगर आर्बिट्रेटर के काम करता है या सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है, तो आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को रिवोक कर दिया जाएगा। दिस इज़ द जनरल रूल। लेकिन सेक्शन 5 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 इस जनरल रूल की एक्सेप्शन है। अब सेक्शन 5 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट क्या कहता है? अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर और एम्पायर इरिवोकेबल। मतलब अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर और एम्पायर जो है वो रिवोकेबल नहीं है एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ कोर्ट। अब सेक्शन 5 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट की वर्डिंग हम पढ़ लेते हैं। द अथॉरिटी ऑफ एन अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर और अम्पायर शैल नॉट बी रिवोकेबल एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ कोर्ट अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब अगर आपने एग्रीमेंट में कोई ऐसे सरकमस्टांसिस नहीं मेंशन किए हुए कि इन सूरतों में आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आपने अगर आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को ख़त्म करवाना है तो आपको कोर्ट से रजू करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोर्ट में रजू करने के लिए तरीक़ाकार क्या अडॉप्ट किया जाता है? कोर्ट में रजू करने के लिए जब आपको लगे कि जो आर्बिट्रेटर आपने अपॉइंट किया है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा और आपने उसकी अथॉरिटी ख़त्म करनी है, उसकी जगह कोई दूसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है या करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आर्बिट्रेटर को नोटिस सेंड करना है। उसे बताना है कि आप इस वजूहात की बिना पर उसकी अथॉरिटी रिवोक करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं आफ्टर 15 डेज ऑफ नोटिस कि एप्लीकेशन टू द कोर्ट अंडर सेक्शन 5 रीड विद सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। इस टाइटल से आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट में। सेक्शन 5 डील कर रहा है अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर और एम्पायर इरिवोकेबल एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ कोर्ट, और सेक्शन 11 बता रहा है सरकमस्टांसिस, जिन सरकमस्टांसिस में कोर्ट जो है आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी रिवोक कर सकती है। अब आपने इन दोनों सेक्शंस के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी है और ये एप्लीकेशन अवार्ड के फाइल होने से पहले फाइल हो जानी चाहिए, क्योंकि जब अवार्ड फाइल हो जाता है, आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड लिख देता है और कोर्ट में फाइल कर देता है, तो उसके बाद उसकी अथॉरिटी रिवोक करने की कोई वजह नहीं बचती। अब सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो बता रहा है कि किन किन सरकमस्टांसिस में कोर्ट आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को रिवोक कर सकती है। सबसे पहले जो सरकमस्टांस है वो ये है कि आर्बिट्रेटर हु फेल टू यूज़ ऑल रीजनेबल डिस्पैच। अब रीजनेबल डिस्पैच का यहाँ पे क्या मतलब है? रीजनेबल डिस्पैच का मतलब ये है कि जैसे ही आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया,
आर्बिट्रेटर ने दूसरी पार्टी को नोटिस सेंड करना है, उसके बाद दोनों पार्टीज़ को एक जगह पे इकट्ठा करना है और उनसे एविडेंस कलेक्ट करना है, उन्हें हेयरिंग्स की डेट बतानी है। अगर कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने के बाद आपको फर्स्ट हेयरिंग की डेट का भी नोटिस सेंड नहीं कर रहा, आपके आर्बिट्रेशन के प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं कर रहा, इट मीन्स ही इज़ नॉट यूजिंग आर रीजनेबल डिस्पैच। ठीक है, अगर एक आर्बिट्रेटर ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने के बाद किसी किस्म की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की, देन ही हैज़ फेल्ड टू यूज़ रीजनेबल डिस्पैच। इस सूरत में कोर्ट उसकी अथॉरिटी रिवोक कर सकती है। दूसरी सूरत रीजनेबल डिस्पैच की ये है कि एक पार्टी ने एविडेंस दे दी या दूसरी पार्टी को आर्बिट्रेटर ने बहुत ज़्यादा लीनियंसी देना शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया एविडेंस प्रोड्यूस करवाने में, या दोनों ही पार्टीज़ को आर्बिट्रेटर जो है एविडेंस प्रोड्यूस करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है। डेफिनेटली एक पार्टी को जब ज़्यादा देगा तो फिर ही दूसरी पार्टी कोर्ट में जाएगी, तो इस सूरत में भी आर्बिट्रेटर जो है वो रीज़नेबल डिस्पैच यूज़ करने में फ़ेल हो जाएगा और इस सूरत में आप कोर्ट में जाके उसकी अथॉरिटी रिवोक करवा सकते हैं। दूसरी सूरत ये है कि आर्बिट्रेटर जो है वो ख़ुद मिसकंडक्ट करे या प्रोसीडिंग को मिसकंडक्ट कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर्बिट्रेटर अगर कोई पार्टी कोई एविडेंस प्रोड्यूस करती है तो वो उस पार्टी की मर्जी के बगैर दूसरी पार्टी को वो एविडेंस या बहुत हसास कागजात नहीं दिखा सकता, और अगर आर्बिट्रेटर जिस पार्टी ने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं उसकी मर्ज़ी के बगैर सेकंड पार्टी को एविडेंस दिखा देता है, या किसी पार्टी से रिश्वत ले लेता है, या किसी पार्टी के साथ दूसरी पार्टी के साथ बायस्ड हो गया है, या आर्बिट्रेटर का अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है मैटर में और उसने किसी एक पार्टी से छुपाया है उस बात को, अगर वो काम करने में नेग्लिजेंस शो कर रहा है, देन दिस इज़ कॉल्ड मिसकंडक्टेड द प्रोसीडिंग और मिसकंडक्टेड बाय हिमसेल्फ। इसकी एक सूरत ये भी हो सकती है कि जो आर्बिट्रेटर है वो किसी पार्टी का इंडेप्टेड है, ठीक है, उसके उस पार्टी के साथ और भी मामलात चल रहे हैं एंड ही इज़ इंडेप्टेड टू दैट पार्टी, इन दैट केस भी वो मिसकंडक्ट कर रहा है। तो अगर वो मिसकंडक्ट कर रहा है, प्रोसीडिंग्स की मिसकंडक्ट कर रहा है, रीजनेबल डिस्पैच यूज़ नहीं कर रहा, प्रोसीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं लेके चल रहा है, इंटरेस्टेड पर्सन है, तो इन सारे सरकमस्टांसेस में आप कोर्ट में जाके उसकी अथॉरिटी रिवोक करवा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसमें पहले आप आर्बिट्रेटर को एक नोटिस सेंड करेंगे, उसके बाद आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे कोर्ट में अंडर सेक्शन 5, रीड विद सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। अब जब आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी रिवोक हो जाती है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, जितनी प्रोसीडिंग उसने कंडक्ट कर ली है उस पे उस चीज़ का इफ़ेक्ट क्या होगा। अगर तो प्रोसीडिंग स्टार्ट ही नहीं हुई तो डेफिनेटली इट विल कम टू एन एंड एट द फर्स्ट इंस्टेंस, और अगर प्रोसीडिंग एविडेंस की स्टेज तक चली गई है और फिर आपने आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी रिवोक करवाई है, इट मींस कि जो प्रोसीडिंग वो पहले कर चुका है वो सारी की सारी विशिएट हो जाएंगी, वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो जाएंगी, और जितना काम उसने किया है वो अपनी रीनमरेशन को का एंटाइटल्ड नहीं होगा। जब आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी रिवोक हो जाती है उसका किया हुआ सारा काम भी ख़त्म हो जाता है और उसे किसी किस्म के पैसे नहीं मिलते जो कि उसने काम कर लिया होता है। अब क्या हुआ कि आपने एक आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी रिवोक करवा ली। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये ले लेते हैं कि आपका डिस्प्यूट था दूसरी पार्टी बी के साथ, आपने कोर्ट से जाके ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवाया, या आप दोनों पार्टीज़ ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया। अब वो आर्बिट्रेटर प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, वो रीज़नेबल डिस्पैच यूज़ नहीं कर रहा था, आप कोर्ट में गए, आपने उसकी अथॉरिटी को रिवोक करवा लिया। अब उसकी जब अथॉरिटी ख़त्म हो गई, आपका जो एग्रीमेंट था जिसमें कि आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद था उसके तहत आपको आर्बिट्रेशन करवानी है,
आप डायरेक्ट कोर्ट प्रोसीडिंग में नहीं जा सकते, लेकिन आपने तो उसकी अथॉरिटी रिवोक करवा ली। तो जब आपने आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी रिवोक करवा ली तो फिर आपके पास रेमेडी क्या अवेलेबल होगी? तो आपके पास रेमेडी ये अवेलेबल होगी कि आप सेक्शन 12(2) ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत एप्लीकेशन फाइल करेंगे कोर्ट में आफ्टर रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर। आपने जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवाया था उसकी अथॉरिटी को ख़त्म करवाने के बाद आप कोर्ट में एक और एप्लीकेशन फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 12(2). पहले आपने एप्लीकेशन फाइल की थी अंडर सेक्शन 5 रीड विद सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, ताकि आप आर्बिट्रेटर जो कि काम नहीं कर रहा उसकी अथॉरिटी को ख़त्म करा सकें। उसके बाद आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 12(2) ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। इसमें आपके पास दो ऑप्शन मौजूद होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप एक आर्बिट्रेटर को निकलवा के उसकी जगह नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवा लें, एक की अथॉरिटी रिवोक करवाई उसकी जगह नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवा लें। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है अंडर सेक्शन 12(2) ही आप इसकी एप्लीकेशन देते हैं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया जाए। जब कोर्ट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की सस्पेंशन का ऑर्डर करती है उसके बाद आप नॉर्मल कोर्ट की प्रोसीडिंग में जा सकते हैं। जब तक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करेगा यू हैव टू गो फॉर आर्बिट्रेशन फर्स्ट। तो जब आपने आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी रिवोक करवा ली थ्रू कोर्ट, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। फर्स्ट कि आप एक नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवा लें थ्रू कोर्ट, और दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है उसको सस्पेंड करवा लें। तो जब आर्बिट्रेटर, अगर आप नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवा लेते हैं तो फिर दोबारा से आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी थ्रू न्यू आर्बिट्रेटर, और अगर आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सस्पेंड करवा लेते हैं तो उसके बाद आपका आर्बिट्रेशन ख़त्म हो जाएगा, आप नॉर्मल कोर्ट की प्रोसीडिंग में जा सकते हैं। मीनिंग देयर बाय कि आप दूसरी पार्टी के खिलाफ जिसके अगेंस्ट आपकी ग्रीवेंस है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स की वायोलेशन की है, उसके खिलाफ आप कोर्ट ऑफ लॉ में नॉर्मल सूट फाइल कर सकते हैं फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अभी हमने पूरे लेक्चर में क्या पढ़ा कि आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी जो है वो नॉर्मली इरिवोकेबल है, दिस इज़ द जनरल रूल। लेकिन आप आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को कोर्ट के थ्रू ख़त्म करवा सकते हैं। अब कोर्ट में जाने के लिए आपने सबसे पहले आर्बिट्रेटर को नोटिस सेंड करना है, उसके बाद आपने एक एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट में अंडर सेक्शन 5 रीड विद सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। उसके बाद जब कोर्ट आपकी एप्लीकेशन के ऊपर हियरिंग करके आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी रिवोक कर देती है तो उसके बाद आपने दोबारा से एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है अंडर सेक्शन 12(2) ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। इसमें आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवा लें या फिर आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की सस्पेंशन के लिए चले जाएं। होप सो कि ये सारा टॉपिक